सीएम योगी भले ही सियासी मंचों से यूपी को अपराध मुक्त कर देने की ताल ठोकते हों, मगर यूपी में आज भी अपराधियों के हौसले पूरी तरह बुलंद हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस की एक टीम पर बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें डीएसपी देवेंद्र मिश्रा और थाना प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इसे न सिर्फ यूपी पुलिस पर एक बहुत बड़े हमले के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि यह खबर कानून व्यवस्था से लेकर सरकार के उन तमाम दावों पर सवाल खड़े कर देती है जिनमें सीएम योगी ने यूपी को अपराध मुक्त बताया था। जानकारी के अनुसार पुलिस की यह टीम हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने के लिए गई थी। बताया गया कि आरोपी के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं। अचानक हुई इतनी बड़ी घटना से यूपी पुलिस हिल गई है। एसटीएफ ने मौके पर मोर्चा संभाला हुआ है, जबकि फॉरेंसिक टीम भी यहां छानबीन में जुट गई है। पुलिस की टीम जब इस हिस्ट्री शीटर के यहां दबिश देने पहुंची तो दुबे की गैंग के लोग घात लगाकर पुलिस का इंतजार कर रहे थे। इस बिकरू गांव में क्षेत्राधिकारी बिल्हौर और उनके साथ 3 थानों की टीम, जो थाने थे चौबेपुर, शिवराजपुर और बिठूर की टीम, यहां एक केस के सिलसिले में, जो कि श्री राहुल तिवारी वो बगल के ही गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने साथ मारपीट, किडनैपिंग तथा अटेम्प्ट टू मर्डर का एक तहरीर दिया था। उस सिलसिले में सीओ साहब के नेतृत्व में 3 थानों की टीम आई थी। यहाँ पे जो मेन अभियुक्त है विकास दुबे, जो कि यहाँ का मजारिया हिस्ट्री शीटर है, हिस्ट्री शीट नंबर 152A तथा इस पे 60 जघन्य अपराध पंजीकृत हैं। उनके और उनके साथियों ने यहाँ पुलिस पार्टी पे फायर खोल दिया, जिसमें हमारे सीओ साहब सहित 8 पुलिस के जवान शहीद हुए, 7 लोग इसमें घायल हैं, जिसमें से 5 पुलिस के लोग हैं, 1 होमगार्ड है और 1 सिविल व्यक्ति है। कुछ पुलिस के वेपन भी गायब हैं, जिसकी जांच पड़ताल चल रही है कि किस जवान और किस अधिकारी के पास क्या वेपन थे। इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और जो शहादत पुलिस के अधिकारी और जवानों ने दी है वो हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, और एक जो भी लोग इस घृणित कार्य में रहे हैं उन्हें कानून सख्ती से निपटेगा, और वो जहां कहीं भी होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस उनको ढूंढ के निकालेगी और उसको कानून के सामने पेश करेगी। देखिए, एक बहुत शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे। इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ था 307 का, एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ दर्ज कराया था करीब 24 घंटे पहले। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था, तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर। और इन लोगों ने वहाँ पर जेसीबी लगा दिया,
अपने गांव में जहां पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी, और जब फोर्स उतरा तब उन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की। लेकिन चूंकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में इनके हमारे आदमियों को गोलियां लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल CO साहब भी हैं और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं जिनको वीरगति प्राप्त हुई। और इसके अलावा करीब 7 आदमी हमारे घायल भी हुए हैं और वो ऑपरेशन अभी भी जारी हैं, चूँकि ये लोग भाग गए हैं अंधेरे का फ़ायदा उठा करके। और हमारे IG, ADG और यहाँ से हमने ADG लॉ एंड ऑर्डर को भी वहाँ भेजा है इन ऑपरेशंस को सुपरवाइज करने के लिए। और साथ ही ये जो फॉरेंसिक टीम है कानपुर की तो तुरंत पहुँच गई थी, अभी लखनऊ से भी एक एक्सपर्ट टीम हमने रवाना की है और इसमें STF को भी लगाया गया है और IG STF वहाँ पहुँच रहे हैं। लोकल कानपुर का जो STF यूनिट है वो ऑलरेडी कार्यरत है और इनके खिलाफ एक बहुत बृहद ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये उसी ऑपरेशन के कंटिन्यूएशन में है जिसके लिए पहले हमारी टीम वहां पर गई थी। इससे पहले पुलिस अपनी कार्यवाही को अंजाम देती, अपराधियों ने उस पर गोलियां बरसा दी। गैंग के सदस्यों ने पुलिस को चारों ओर से घेर लिया था। पुलिस को ऐसे हमले की उम्मीद नहीं थी। बताया जा रहा है कि विकास दुबे यहां से फरार हो गया है। अभी तक की जानकारी में पुलिस ने राज्य के सभी बॉर्डरों को सील कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।